हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मयंक जैन और आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे आपके सिलेबस की पोएम जो आपकी बीहाइव बुक में दी गई है विंड के बारे में। ये पोएम जो है एक तमिल भाषा में लिखने वाले कवि ने लिखी है, जिनका नाम है सुब्रमण्य भारती। और ये जो पोएम है विंड, ये वास्तविकता में एक्चुअली जो है ये तमिल भाषा में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया था ए के रामानुजन ने। भी इंग्लिश भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय लेखक हुए हैं। तो देखिए, विंड को हम पढ़ते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रोंगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। जब हवा चलती है बहुत तेज़ी से तो बहुत सारी बर्बादी लाती है, पर हम कैसे इसको एक अपना दोस्त बना सकते हैं। तो इस पूरी पोएम में हवा को एक हवा की तरह, एक निर्जीव चीज़ की तरह ना देखकर हम एक व्यक्ति की तरह इसको ट्रीट किया गया है, व्यक्ति की तरह समझा गया है हमारे कवि द्वारा। तो देखिए, इसमें कहता है वो, विंड कम्स सॉफ्टली, हवा बहुत ही सॉफ्टली आती है। डोंट ब्रेक द शट, मतलब कहता है विंड कम्स सॉफ्टली, विंड यानी हवा, सॉफ्टली आओ, आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़की के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को, पन्नों को इधर उधर मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, बुक शेल्फ में रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो वहाँ तुमने क्या किया, सब कुछ सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश ले आए। ऐसा होता है ना, जब तूफान आता है तो हवा के साथ बहुत तेज़ हवा आती है और साथ में बारिश भी आती है, तो ये सब तेज़ हवा से जो बर्बादी होती है उसके बारे में दिखाया गया है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कह रहा तुम बहुत चतुर हो मजाक बनाने में कमज़ोर चीज़ों का। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कमज़ोर घरों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाज़ों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो नाव होती हैं उनको तुम बर्बाद कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, लकड़ी को तोड़ देते हो, लकड़ी को बर्बाद कर देते हो। वुड में जंगल भी कह सकते हैं, वुड का मतलब यहाँ जंगल भी हो सकता है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, शरीरों को बर्बाद उड़ा देते हो। होता है ना, तूफान आता है लोगों की जनहानी होती है, लोग मर जाते हैं, लोग उड़ जाते हैं तूफान में। क्रम्बलिंग लाइव्स, उस ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हो। सीधी सी बात है, तूफान, जब कोई तूफान आती है, तूफान क्या होता है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो हो सकता है एक परिवार के दो तीन लोग गुजर जाएं, तो उसके परिवार के जो दो तीन लोगों को, उनकी ज़िंदगी तो बर्बादी हो जाती है। इस तरह से क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिलों को तोड़ देते हो या बहुत दुख पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स का मतलब होता है दुख पहुंचाना। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, कहते हैं कि हवा वो नहीं करती जो हम उसे कहते हैं करने के लिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलिए मजबूत पक्के घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को बहुत ही कस के टाइट से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, दिलों को मजबूत करें। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करेंगे तो हमारे जो हवा है, जो वायु है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आँख को बुझा देती है। पर ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जब बहुत बड़ी आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, हवा उसको और बड़ा बना देती है आग को। ऐसा होता है अक्सर, आपने देखा भी होगा, जंगलों में आग लगती है तो वो हवा चलने से और फैल जाती है, और बढ़ जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन इसकी जो है इसको प्रेज करते हैं, इसका प्रोत्साहन करते हैं। सीधी सी बात है, हवा ना होती तो हम ना होते। यहाँ हवा की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है लास्ट की दो लाइनों में, क्योंकि अगर हवा ना हो पृथ्वी पर तो हम लोगों का जीवन कैसे रहेगा इस धरती पर, हम लोग जी ही नहीं पाएंगे बिना हवा के। तो इस तरह से आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स वगैरह अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।